फोर्स के एक्सप्रेशन को देखकर कैसे डिसाइड करें कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, इस बारे में हमने लास्ट क्लास में भी हल्की फुल्की बात तो की थी। हमने एक फोर्स लिखा था, उसका वर्क डन निकाला था, और हमने इस बात को पाया था कि वर्क डन निकालने के लिए हमें पाथ की ज़रूरत नहीं थी, और अगर पाथ की ज़रूरत नहीं थी इट मीन्स दैट वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, इट ऑब्वियसली मीन्स कि आपका जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। मैं एक एग्जाम्पल और करता हूँ। बट आपके पास एक फोर्स है एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, फाइंड इट्स वर्क डन टू डिस्प्लेस ए पार्टिकल फ्रॉम जीरो कॉमा जीरो टू 4.4। बेटा 0.0 से 4.4 तक लाने में इस फोर्स का वर्डन कितना होगा? चलिए बेटा, आपके पास ये वाई एक्सिस, ये बेटा एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन 0.0, ये एक्स बेटा ये वाई, 4.4 बेटा यहाँ कहीं है, दिस पॉइंट इज योर 4.4। यहाँ से यहाँ जाना है और इस फोर्स का वर्डन पूछा है। ऑफ कोर्स बड़ा फोर्स वेरिएबल है तो हम एफ डॉट एस यूज ना करके एफ डॉट डी एस यूज करेंगे। सो छोटा सा वर्क डन छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इज ऑफ कोर्स एफ डॉट डी एस। फोर्स इज एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। डॉट प्रोडक्ट किया तो आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ। सर मुझे तो पूरा वर्डन चाहिए। बड़ा पूरा वर्डन चाहिए तो ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स का वर्डन निकालते रहो और उन सबको ऐड कर लो। ऐड करना मतलब ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करना, इससे अलग इंटीग्रेट बड़ा इससे इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन हम समझ गए बेटा, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, जीरो से फोर बेटा, जीरो से फोर। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट कहाँ से कहाँ बेटा, जीरो से फोर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी वाई। एक्स और वाई की बेटा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, जीरो कमा जीरो से फोर कमा फोर। बेटा यहाँ पर एक्स को फोर रखा तो 16 अपॉन टू बेटा कितना आ गया, एट, एट माइनस जीरो इज एट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी वाई। बेटा एक्स और वाई को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0.0 से 4.4। बढ़िया बेटा, लेकिन हमसे इंटीग्रेशन हुआ नहीं, हमसे जो दो इंटीग्रेशन थे उसमें से लेफ्ट वाला तो हो गया, बढ़िया से निकाल लिया, राइट वाला इंटीग्रेशन से हो ही नहीं पाया। हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि इस एक्सप्रेशन में एक्स भी है और वाई भी है। काश इस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक्स होता तो हम सॉल्व कर लेते, काश इस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ वाई होता तब भी सॉल्व कर लेते, सिर्फ वाई होता तब भी सॉल्व कर लेते, सिर्फ एक्स होता तब भी सॉल्व कर लेते, लेकिन यहां पर तो एक्स और वाई दोनों हैं और दोनों वेरी भी कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते इसको सॉल्व। मैं फिर से आपसे पूछूं बेटा, मैं आपको क्या इंफॉर्मेशन दूं कि तुम इसको सॉल्व कर पाओ, तो आप बोलोगे सर ऐसा जुगाड़ कर दो कि मैं एक्स को उड़ा सकूं या वाई को उड़ा सकूं। तो इट मीन्स दैट बेटा एक तरह से आप मुझसे पूछ रहे हो वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, कि वाई जो है वो एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो एक्स को आप वाई से रिप्लेस कर सकते हो और वाई को आप मतलब वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख सकते हो और एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिख सकते हो, और उस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ या तो एक्स बच जाएगा या सिर्फ और सिर्फ वाई बच जाएगा। अगर आपके पास वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी तभी जाके आप ये इंटीग्रेट कर पाओगे, अदरवाइज इंटीग्रेशन आपसे नहीं होगा। और अगर आपको ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका मतलब आप क्या डिमांड कर रहे हो, आप ये डिमांड कर रहे हो कि एक्स और वाई आपस में एक तरफ दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स कैसे रिलेटेड हैं, 0.0 से 4.4 तक आखिर पहुंचे कैसे। तो ये जो वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है ये तो बेटा हमारे पाथ की इक्वेशन है, और अगर ये हमारे बेटा पाथ की इक्वेशन है इट मीन्स दैट इंटीग्रेट करने के लिए आप हमसे बड़ा वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पूछ रहे हो, या फिर ऐसे कह दो बेटा आप एक तरह से हमसे पाथ पूछ रहे हो। तो वर्क डन हम तभी बता पाएंगे जब हमें पाथ की इक्वेशन पता होगी, और वर्क डन बेटा तभी बता पाओगे जब पाथ की इक्वेशन पता होगी, तो ऑफ कोर्स बेटा ये वर्क डन
पाथ पर डिपेंड कर रहा है, और अगर पाथ पर डिपेंड कर रहा है तो हम इसका आंसर निकाल नहीं सकते, क्योंकि सवाल के अंदर पाथ की इक्वेशन तो हमें दे ही नहीं रखी, और ऑफ कोर्स अलग अलग पाथ के लिए आपका वर्क डन तो अलग अलग आएगा। लेकिन आपने इससे एक बात जरूर बता दी कि हमारा जो गिवन फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, इस बात का हमें जरूर आइडिया लग गया कि दिस सॉरी बेटा वर्क डन पाथ पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए पक्की बात है कि बेटा ये वाला जो फोर्स है हमारा ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो दिस वर्क डन इज बेसिकली पाथ डिपेंडेंट, और अगर पाथ की इंफॉर्मेशन होगी तो हम बेटा शायद सवाल कर देते। सो इफ द वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट इट ऑब्वियसली मीन्स दैट कि दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। अब अगले मुद्दे पे आते हैं। कोई बच्चा बोलते हैं सर पाथ दे देंगे तो आंसर आ जाएगा? हाँ बेटा बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आ जाएगा, चलो ट्राई करके देखते हैं। मैंने आपको पाथ दिया है ऐसा कि 0,0 से 4,4 तक इस स्ट्रेट लाइन से जा रहे हो, बेटा दिस इज अवर पाथ वन। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स फॉर गिवन पाथ, गिवन पाथ वन। चलिए बेटा करते हैं कोशिश, सारी कहानी बेटा वैसे की वैसे। बेटा पहले हमने वर्क डन निकालने के लिए छोटा सा वर्क डन निकाला और उसको जोड़ लिया, जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन, दैट इज एफ डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस बेटा कैसे करते हो तुम जानते हो बेटा, डी एस को हम लिख देंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और कुल मिलाकर बेटा हमारे पास आ गया दैट इज इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी वाई। ये तो बहुत आसान है, हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 4 तक, इसका इंटीग्रेशन तो 8 आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी वाई। काश इक्वेशन में एक्स होता ही नहीं तो बड़े आराम से हम सॉल्व कर लेते हैं। आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, ये जो पाथ है इस पाथ की इक्वेशन में पता है बेटा 0,0 से 4,4 तक इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब पूरे पाथ में x और y कोऑर्डिनेट दोनों हमेशा बराबर है, तो इस पाथ में आप बड़े आराम से इस x को रिप्लेस कर सकते हो बेटा किससे, y से। तुम्हारे पास आ गया y, x को रिप्लेस कर दे रहा y से, इंटू y बेटा y का स्क्वायर इंटू डी वाई, और y की बेटा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से 4। सो यू कुड से कि सर दैट इज 0 से 4 8, ठीक है बेटा। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आई थिंक मेरे बच्चे आएगा वाई क्यूब बाई 3, लिमिट बेटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4, तो आ गया मेरे पास 8 प्लस 64 बाई 3, 8 प्लस 64 बाई 3, 24 प्लस 64 इज आई थिंक बेटा कितना 88 बाई 3, बेटा दिस इज अवर 88 बाई 3, ये अपना आंसर है, ठीक है। चलिए बेटा अगर मैं कोई और पाथ दूंगा तो हो सकता है कि बेटा आपका आंसर कुछ और आए। चलिए बेटा मैं आपको एक पाथ और देता हूं, दूसरा पाथ। जैसे मान लीजिए बेटा मैं आपको एक अलग पाथ दे रखा है कि 0,0 से 4,4 तक आप ऐसे एक पैराबोला पे आ रहे हो, एक पैराबोला पे आ रहे हो, और इस पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। बेटा चेक करना 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, x को 0 रखोगे तो y अपने आप 0 आ जाएगा, x को 4 रखना तो 4 का स्क्वायर बड़ा कितना 16 अपॉन 4, बड़ा 4 से 4 कैंसिल, y की वैल्यू भी 4 आ गई, तो 0,0 और 4,4 दोनों को बड़ा ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा सवाल बड़ा आपसे ये है कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ इस पाथ के अलोंग ले जाऊँ तो इस फोर्स का वर्क डन कितना आएगा। अगेन बेटा वही कहानी, आई वॉन्ट टू फाइंड वर्क डन अलोंग पाथ टू। बेटा पाथ टू के अलोंग वर्क डन निकालते हैं, अभी निकालते हैं। अगर आपको वर्क डन निकालना है तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। बेटा डी डब्ल्यू हम निकाल चुके हैं, बेटा बार बार क्या लिखें, बेटा वही वापस से एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी वाई। बेटा एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से 4, तो इसका इंटीग्रेशन बेटा पक्का आ गया 8। अब सिर्फ और सिर्फ राइट साइड बचा है बेटा, यहाँ पर वाई डी वाई तो ठीक है, काश एक्स ना होता। आप बोलोगे सर बिल्कुल एक्स को तो बढ़ा देंगे,
इस पाथ के लिए मैं एक्स को बड़े आराम से लिख सकता हूं, एक्स शुड बी इक्वल टू टू टाइम्स रूट ऑफ वाई। बड़ा फोर को इधर ले गया, रूट ले लिया, एक्स इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ रूट वाई। बड़ा टू को तो बाहर निकाल लो, रूट वाई इंटू वाई, बड़ा मेरे ख्याल से आ गया वाई की पावर थ्री बाई टू इंटू डी वाई। और बड़ा वाई वेरी कहां से कहां तक कर रहे हैं, जीरो से फोर। हमारे पास आंसर आ गया, एट तो ठीक है बेटा, टू भी ठीक है, y की पावर 3 बाई टू का इंटीग्रेशन आएगा y की पावर 5 बाई टू अपॉन बड़ा 5 बाई टू। वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी बेटा, 0 से 4। 8 ठीक है बेटा, ये 2 पर आ गया, 4 अपॉन 5 इंटू बड़ा y की वैल्यू कर देंगे 4 रखना बेटा, 4 की पावर 5 बाई टू माइनस बड़ा y को 0 रखना, 0 की पावर 5 बाई टू। बड़ा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी, बड़ा वैल्यूज हो गई अपने अपने काम चल जाएगा। अब तो दैट कम्स आउट टू बी 8 प्लस 4 बाई 5 इंटू 4 की पावर 5 बाई टू इज बड़ा बेसिकली 2 की पावर 5 माइनस 0 बड़ा ठीक है, 2 की पावर 5 आई थिंक 32, तो आप कह सकते हो दैट इज 8 प्लस 4 बाई 5 इंटू 32। ठीक है ना, कर लेना इसको सोल्व, इतने जूल्स बड़ा आपका आंसर आ गया। तो बड़ा पाथ टू के लोग आपका वर्क डन ये है, तो अलग अलग पाथ के लोग बड़ा हम इस तरह से अलग अलग वर्क डन निकाल सकते हैं। और आपने देखा बड़ा सेम नहीं आएगा बड़ा, ऐसे अलग अलग आएगा वर्क डन। ठीक, चलिए बड़ा एक पाथ और देता हूँ आपको, बड़ा सवाल वही है, सारी कहानी वही है, बस डायग्राम बड़ा वापस से बनाया था, आपको एक अलग पाथ और दे रहा हूँ, तो उनके थ्रू भी कितना वर्क डन करेगा ये वाला फोर्स वो निकाल दीजिए। तो बड़ा सुनना, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, जाना कहां से कहां था बेटा, 0,0 से 4,4 तक। ठीक है, तीसरा रास्ता यह है कि उसमें हम पहले यहां से यहां आएंगे और फिर बेटा हम यहां से यहां आए, पहले यहां से यहां फिर बेटा यहां से यहां। मैं इस पॉइंट को ओ बोल दूं, इसको सी बोल दूं, इसे ए बोल रहा हूं बेटा, ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट बेटा 4,0। दिस इज माय पाथ थर्ड, पाथ थर्ड इज ओ टू ए, ए टू सी, ओ ए सी। ठीक है ना, मुझे इस थर्ड पाथ के अलोंग वर्क डन निकालना है, निकालेंगे बेटा जरूर निकालेंगे, बड़े आराम से अपन से काम बन जाएगा, तो कोई खास दिक्कत आनी नहीं चाहिए यार। चलें करें, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स अलोंग पाथ थर्ड That is OAC। ठीक है ना, तो मुझे बेटा पहले O से, अच्छा मैं ऐसा कह रहा हूं कि मुझे OAC पाथ के लिए वर्क डन निकालना है, तो पहले O से A निकाल लो, फिर बेटा A से C निकाल लो। ठीक है ना, पहले अपन छोटा सा DW लिखते हैं बेटा, DW मेरे बच्चों को लिखना आता है, DW is of course F dot ds, that is बड़ा फोर्स बोलना कितना है, फोर्स है एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप का डॉट प्रोडक्ट विद छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, दैट कम्स आउट टू बी एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। ठीक है, पहले काम करते हैं ओ से ए का वर्डन निकालते हैं, फिर हम बाद में ए से सी का वर्डन निकालते हैं। ठीक है, पहले ओ से ए तक जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन निकालो बेटा, ये है आपकी स्ट्रेट लाइन जिसमें आपका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, यहां भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो, 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 दिस इज अवर स्ट्रेट लाइन, वाई इज इक्वल्स टू जीरो। बेटा वाई की वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब हमारा चेंज इन वाई जो है बेटा वो भी जीरो आएगा, वाई भी जीरो है, चेंज इन वाई भी जीरो है। इसको बड़ा यहां रख दो,
यहां रखा तो हमारा आ गया डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई। सर मुझे तो पूरा वर्डन निकालना है यहां से तक का, बिल्कुल निकाल लो बेटा, ऐसे ओ से ए तक का पूरा वर्डन निकालना है तो ऐसे छोटे छोटे वर्डन निकाल कर ऐड कर दो बेटा। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, एक्स डी एक्स बेटा एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? आप बोलोगे सर ओ से ए तक आने में जीरो से लेकर फोर तक वेरी कर रही है। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट कहां से कहां तक बेटा जीरो से फोर, दैट इज आई थिंक 16 बाई टू माइनस जीरो बाई टू आई थिंक बेटा दैट इज 8 जूल्स। ओ से ए तक बेटा आपका वर्डन है 8 जूल्स, अच्छी बात है आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज ए से सी, बेटा ए से सी जा रहे हो, ए से सी में आपका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, यहां भी बेटा 4 है यहां भी 4 है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है एक्स इक्वल्स टू 4। और x अगर फिक्स है इट मींस दैट कि चेंज इन x dx की वैल्यू जीरो है बेटा। पटको इसे, इसे पटका तो dw आ गया, x को तो रखना है 4, dx को रखना है 0, x को तो रखना है 4 इंटू वाई डी वाई। सर मुझे तो पूरा वर्डन निकालना है a से c तक, दैट इज छोटा सा वर्डन निकाल लो और इंटीग्रेट कर दो बेटा। 4 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ y dy, ए से सी तक जाने में वाई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? तो आपको सर जीरो से लेके फोर तक वेरी कर रही है, सो इट विल वेरी फ्रॉम जीरो टू फोर बेटा। फोर तो बाहर आ गया, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन आ गया वाई स्क्वायर बाई टू बेटा, लिमिट लगा दूं तो दैट इज फोर का स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो का स्क्वायर बाई टू बेटा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक बेटा फोर का स्क्वायर इज 16, 16 इंटू टू बेटा कितना आ गया 32 बड़ा। हमारा ओ से ए तक का वर्डन 8 जूल है, ए से लेके सी तक 32 जूल है, पूरा वर्डन हमारे पास 40 जूल्स। सिंपल, बड़े आराम से हम इस तरह का सवाल निपटा सकते हैं, ठीक है ना। एक सवाल और दे रहा हूँ बेटा, हमें निकालना है इस पाथ के अलोंग वर्डन, यहां से चलना है पहले यू जाएंगे बेटा, फिर यू जाएंगे, इस पॉइंट को बेटा बी बोल दो और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो बेटा 0.4। पहले हम ओ से बी जाएंगे बेटा, फिर हम बी से सी जाएंगे, दिस इज अवर पाथ 4। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग पाथ 4 एंड पाथ 4 इज बेटा विच वन, ओ बी सी, ठीक है बेटा। अभी निकालते हैं, सारी कहानी बेटा सेम सी है मेरे पास बेटा, कोई ऐसे बहुत इतना बड़ा नया काम तो नहीं है। हमें अगर ओबीसी पाथ के लॉन्ग वर्डन निकालना है तो हम कहेंगे कि बेटा पहले ओ से बी निकाल लेते हैं फिर बी से सी निकाल लेते हैं, क्योंकि ओ बी अलग स्ट्रेट लाइन है, बी सी अलग स्ट्रेट लाइन है। डी डब्ल्यू बेटा वापस से वैसे लिखना है एफ डॉट डी एस, बिल्कुल सेम एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ओ से बी वर्डन निकालेंगे बेटा, फिर हम बी से सी निकालेंगे, हो जाएगा बेटा। सिर्फ और सिर्फ एक बार पाथ की इक्वेशन लिखो, सारे काम बन ही जाएंगे बेटा मन से। चलिए बेटा नेक्स्ट इज ओ से बी। ओ से बी इज ए स्ट्रेट लाइन इन विच एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, सो इट्स ए स्ट्रेट लाइन हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो एंड विच इज कॉन्स्टेंट, सो ऑफ कोर्स डी एक्स कम्स आउट टू बी जीरो, एक्स भी जीरो, एक्स का चेंज भी जीरो, तो बेटा डी एक्स भी जीरो। यहाँ पर टाइम को मैंने रखा तुम्हारे पास आ गया बेटा, बोलना क्या आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स जीरो इंटू जीरो, एक्स की बेटा वैल्यू जीरो इंटू वाई डी वाई, सारा ही जीरो आ गया। सर मुझसे वर्डन पूछा है बेटा इंटीग्रेट कर दो, जीरो को अगर इंटीग्रेट करो बेटा क्या आएगा, जीरो आएगा। ओ से बी तक बेटा आपको कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ा, कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात। बी से सी तक, बी से सी तक इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आई थिंक स्ट्रेट लाइन हुज वाई कोऑर्डिनेट इज फिक्स बट वाई कोऑर्डिनेट इज 4, सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन वाई इक्वल्स टू 4। इफ वाई इज 4 इट ऑब्वियसली मीन्स दैट चेंज इन वाई इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, दैट इज 0। और हम इसको अगर डी डब्ल्यू के अंदर रखेंगे तो हमारे पास जाएगा दैट इज एक्स डी एक्स प्लस
एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई, बड़ा आइटम तो निपट गई। सर मुझे तो बी से सी तक सारा वर्डन चाहिए, बड़ा बी से सी तक सारा वर्डन चाहिए, तो छोटे छोटे वर्डन निकाल लो और उनको ऐड कर लो। बड़ा एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक्स डी एक्स बच गया है। बड़ा एक्स को कहाँ से कहाँ तक वेरी करें कि हम बड़ा बी से सी पहुंच जाएं, तो आप बोलो सर एक्स वेरी करेगा जीरो से लेके फोर तक। बड़ा जीरो से लेके फोर तक वेरी करा दो, बड़ा जीरो से लेके फोर तक आएगा एट जूल्स। चलिए बेटा हमारा ओ से बी तक वर्डन जीरो, बी से सी तक बड़ा वर्डन एट जूल्स, आई थिंक बड़ा वर्डन कम्स आउट टू बी एट जूल्स। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर होंगे तो उनका वर्डन भी हम निकाल लेंगे। बस उनका वर्डन निकालने के लिए हमारे पास इस बात की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि उनका पाथ कौन सा है। बड़ा पाथ होने के बाद बड़ा कैसे ये इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं ये आपने देख ही लिया, हर बार ये ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक सवाल और बड़ा, ये जो सवाल है ये कोई बहुत, जो मैं सवाल कराने वाला हूँ ये कोई बहुत स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, और इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी ऐसी है कि बेटा ठीक है आप बाद में जाकर कभी ना कभी पढ़ोगे, लेकिन बेटा मैं मान के चल लूँ कि मैं आपको एज ए इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि भाई ये वाला सवाल ऐसे होता है। इसकी मैथमेटिक्स जब तुम पढ़ोगे तब और देख लेना, बट कभी इस दौरान अगर ये सवाल आ जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। बेटा इसलिए एक छोटा सा सवाल करवा हूँ। ठीक है, सुनिए, ये आपके पास बड़ा वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट आपके पास है 0,0 और ये वाला बड़ा एक पॉइंट है 6,4। हमें बेटा इस पॉइंट से, इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है और एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, फाइंड इट्स वर्डन। बड़ा इट्स वर्डन मतलब इस फोर्स के वर्डन टू डिस्प्लेस ए पार्टिकल From 0,0 to 6,4। बड़ा 0,0 से 6,4 तक ले जाने पे कितना वर्डन होगा बड़ा निकालते हैं। चलिए सुनेगा, हम जानते हैं कि छोटा सा वर्डन क्या होगा। छोटा सा वर्डन इज ऑफ कोर्स एफ डॉट डी एस। बड़ा फोर्स सवाल में लिख रखा है दैट इज वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दैट इज dx i कैप प्लस dy j कैप। द छोटा सा वर्डन कम्स आउट टू बी, बट i कैप का i कैप के साथ, j कैप का j कैप के साथ, दैट इज y dx प्लस x dy। अगर आपको सारा वर्डन चाहिए तो ऑफ कोर्स बट आपको सिर्फ और सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब बेटा मैं बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि यार इसका इंटीग्रेशन में याद ही रखना है। मैं कैसे रिलेट कर पाऊँ सुनना। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर x इंटू वाई को डिफ्रेंशिएट करो, x इंटू वाई को, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे, x वैसा का वैसा, y का डिफरेंशियल dy, प्लस अब y वैसा का वैसा और x का डिफरेंशियल dx। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस इज बेसिकली डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई। अब सुनना बेटा, ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स वाई आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स वाई आ जाएगा। तो आपके पास इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो एक्स इंटू वाई ही आ जाएगा। तो अच्छा सा एक्सप्रेशन है बेटा, प्लीज याद रखें कि एक्स वाई प्लस, सॉरी बेटा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन आपका एक्स इंटू वाई आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है इसलिए बेटा वो सी लगाने की जरूरत नहीं है। x और y के बड़ा इनिशियल वैल्यूज हैं 0,0 और बाद की वैल्यूज हैं 6,4। x और y को बड़ा 6 और 4 रखा तो 6×4 माइनस 0×0, आई थिंक बड़ा दिस कम्स आउट टू 24।
और अच्छी बात बड़ा ये कि यहां से यहां तक लाने के लिए कितना वर्कडन हुआ वो इस बात पर तो डिपेंड किया ही नहीं कि बेटा पाथ कौन सा है। ये तो बिना किसी पाथ की इंफॉर्मेशन के हो गया। जो भी आपका एक्सप्रेशन आया वो इंटीग्रेबल आया। हाँ, एक्सप्रेशन जरूर थोड़ा ऐसा आया जो हमें हो सकता है बेटा कई बच्चों को लगे कि सर इंटीग्रेशन कहाँ से आया, बट आगे के लिए आप याद रख सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन यही आएगा। तो इंटीग्रेबल फॉर्म में आया, और अगर इंटीग्रेबल फॉर्म में आया तो हम बड़े आराम से इंटीग्रेट कर पाए हैं और हमारा वर्कडन आ गया। इस वर्कडन को निकालने के लिए किसी पाथ की जरूरत नहीं पड़ी, और अगर पाथ की जरूरत नहीं पड़ी तो पक्की बात है कि ये जो फोर्स है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर कोई पूछे कि ये वाला फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है तो आप कह सकते हो कि दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ऐसे बेटा आप बड़े आराम से ना फोर्सेस के बारे में बता सकते हो कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव पोजीशन या फिर ओरिएंटेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम के पास क्या रिलेटिव पोजीशंस है, क्या उसकी ओरिएंटेशन है, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन शेप या ज्योमेट्री है, उसके कारण कोई अगर एनर्जी है तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। एक बात मैं आपको पहले लिखा भी चुका हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में ही डिफाइंड है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। इन बातों को हम धीरे धीरे करके बेटा लिखते हैं। सबसे पहली बात, इट इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव पोजीशन ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन। अगली बात, इट इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट बड़ा किसी प्रकार के कारण हम कोई पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी लिखाया था कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट अगर आप कोई वर्कडन करोगे तो वर्कडन सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, वो सिस्टम से किसी न किसी डिसिपेटिव फॉर्म में बड़ा बाहर निकल जाएगा, चाहे साउंड की फॉर्म में, चाहे बड़ा लाइट की फॉर्म में, चाहे हीट की फॉर्म में। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया जो वर्कडन है वो सिस्टम को छोड़कर नहीं जाएगा, वो किसी न किसी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और जिस भी फॉर्म में स्टोर होगा उस फॉर्म को बड़ा हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो इस बात को बेटा आप लिख सकते हो, एनी वर्कडन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस will get stored in form of potential energy. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हर कंजर्वेटिव फोर्स के या फिर हर कंजर्वेटिव इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो। ग्रेविटी के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका हम नाम निकाल देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका नाम निकाल देंगे हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर बड़ा मान लो सरफेस टेंशन के केस में अगर कोई हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी होगी तो उसका हम नाम निकाल देंगे सरफेस एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी हो तो उसका हम नाम निकाल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक फोर्सेस के कारण अगर हमें कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी हो तो हम उसका नाम निकाल देंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसे करके हम बड़े आराम से तरह तरह की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, हम फिलहाल इस चैप्टर में तो सिर्फ और सिर्फ दो ही पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे बड़ा, एक तो ऑफकोर्स ग्रेविटेशनल और बड़ा दूसरी स्प्रिंग।
बाकी बड़ा अलग अलग चैप्टर्स में नई नई पोटेंशियल एनर्जीज आती रहेंगी, उनको भी हम देख ही लेंगे। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ दो ही पढ़ेंगे बेटा, कौन सी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बाकी बात देखेंगे। जैसे मैं एक बात को समझाना चाह रहा था कि बेटा कैसे है ना इलास्ट ये पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया जो वर्क डन है वो कैसे स्टोर होता है, सुनना इस बात को, ठीक है। और ये थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल, आराम से इतना सुनना, ये एग्जांपल हो सकता है ना बार बार रिपीट भी करूँ अलग अलग चैप्टर्स में, बट एग्जांपल अच्छा है, सुनेगा। मान लीजिए कि किसी एम मास के ब्लॉक को मैंने ऊपर की तरफ धीरे धीरे खींचा, धीरे धीरे खींचा तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन इज जीरो, नेग्लिजिबल वेलोसिटी के साथ आप एम मास के ब्लॉक को ऊपर खींच रहे हो तो एम जी लग रहा है नीचे, तो आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया एफ जिसकी वैल्यू भी एम जी है, और वो फोर्स लगाकर मैं उसको एच हाइट तक ऊपर ले आया। मैंने जो वर्क डन किया है ऑफ कोर्स एम जी फोर्स मैंने ऊपर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ एच, तो मेरा वर्क डन तो आ गया एम जी एच। इस वर्क डन ने किसी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर, एक्सेलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल, सो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट आपका जो वर्क डन है वो अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन कभी भी वेस्ट नहीं होता है, कभी भी सिस्टम से डिसिपेट नहीं होता है, बाहर नहीं निकलता, बल्कि वो स्टोर हो जाता है। और इस एम मास के जो बॉल है इसको अगर मैं, या फिर एम मास का जो ब्लॉक है उसको अगर मैं ऐसे एच हाइट ऊपर लेके आऊंगा तो इस पोजीशन पर, इस रिलेटिव पोजीशन पर एम मास का जो ब्लॉक है उसके पास यहां पर जो ब्लॉक पड़ा था उसके मुकाबले एनर्जी ज्यादा है, और जो उसकी एनर्जी का कारण है वो उसकी एक तरह से पोजीशन है, कि उसकी पोजीशन है कि पहले वाली पोजीशन के रेस्पेक्ट में वो ऊपर है, तो इस पोजीशन के कारण उसके पास कोई ना कोई एनर्जी है। तो मैंने जो वर्क डन किया वो सारा का सारा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ कोर्स, बट मैंने कितना वर्क डन किया एम जी एच, तो मेरा सारा का सारा वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में आ गया। तो नीचे वाले पॉइंट के पास अगर मैं कहूँ कि बेटा जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, तो एच हाइट ऊपर उसके पास बड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी प्लस एम इंटू जी इंटू एच। और ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस कारण से, उसकी उस रिलेटिव पोजीशन या फिर ओरिएंटेशन के कारण है, फेयर इनफ। अगर उस एम मास के ब्लॉक को अगर मैं छोड़ दूंगा तो वही एम मास ब्लॉक वापस नीचे आएगा, उसी पोजीशन पर जब आएगा तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब हमने जो कोई वर्क डन किया था वो उसने स्टोर कर लिया था अपने अंदर, और जब जैसे ही बड़ा वापस उसी हाइट पर आएगा तो उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वही होगी जो आपने शुरुआत में उस पर वर्क डन किया था और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। ऐसे बता सकते हैं। एक बात और, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, बड़ा मान लीजिए कि मैंने एक प्लस क्यू चार्ज को यहां पर हिंज कर दिया, कील से ठोक दिया बड़ा, और दूसरे एक प्लस क्यू चार्ज को धीरे 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 नजदीक ला रहा हूं। अब ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को रेपेल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, लेकिन मैं धीरे धीरे नजदीक ला रहा हूं तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर लग रहा होगा मैं उतना ही फोर्स अंदर की तरफ ला रहा हूं, अंदर की तरफ मैं लगा रहा हूं, और अंदर की तरफ फोर्स लगाया 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 नजदीक लेके आ गया, नजदीक लेके आया तो मैंने पूरे रास्ते फोर्स भी इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, तो मैंने सारे रास्ते वर्डन किया पॉजिटिव। ये जो इधर वाला जो चार्ज था जिस पे आपने कील ठोक रखी थी, जिसको हिंज कर रखा था, इस क्यू ने इस क्यू पर फोर्स लगाया बाहर की तरफ, तो ऑफ कोर्स कील ने उतना ही फोर्स इस पर लगाया इधर की तरफ, लेकिन इस चार्ज का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हिंज फोर्स ने कोई वर्क डन नहीं किया है, मतलब पूरे के पूरे अरेंजमेंट में वर्क डन, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो रहा ही होगा लेकिन मेरा वर्क डन है, कील का वर्क डन नहीं है, हिंज का वर्क डन नहीं है, और मैं जो एक्सटर्नल एजेंट हूँ मैंने वर्क डन किया है किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलंबिक फोर्स के अगेंस्ट। हमने लिख रखा है कि कूलंबिक फोर्स के अगेंस्ट, सॉरी कूलंबिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट किया गया वर्क डन कभी भी सिस्टम में से बाहर नहीं जाता, बल्कि वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन दिस केस यू कैन नेम इट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे इस चार्ज पार्टिकल नजदीक लाऊंगा नजदीक लाऊंगा नजदीक लाऊंगा नजदीक लाऊंगा, तो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रेपेल कर रहे होंगे। इस चार्ज पार्टिकल नजदीक लाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा अंदर की तरफ, फोर्स लगाना पड़ेगा अंदर की तरफ, तो ऑफ कोर्स मैं इस चार्ज पार्टिकल पर वर्डन कर रहा हूँ पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव वर्डन लगातार सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है, और ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है इन दोनों चार्ज पार्टिकल के पास। ये मत सोचना कि ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज पार्टिकल की है या फिर सिर्फ और सिर्फ इस पार्टिकल की है, दोनों की मिलाकर के पूरे पूरे सिस्टम की है। सर इस बात की फील नहीं है कि पूरे सिस्टम की है, चलो मैं फील दिलाता हूँ। इसको कील से ठोके रखो,
इसको कील से हिंज करो और इसको छोड़ दो, जैसे इसको छोड़ दोगे दूर भागेगा और दूर भागेगा लगातार इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि रेपेल कर रहा है उसको, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी 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 और उसके पास काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो हमने उस पर शुरुआत में वर्डन किया था। दैट वर्डन हैज़ बीन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड नाउ इट इज़ यूजिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज कन्वर्टिंग इन टू काइनेटिक एनर्जी। अगर मैंने इस चार्ज पैडल नज़दीक लिया नज़दीक लिया नज़दीक लिया, अब इसको पकड़ के बैठा हूँ और जिसको हिंज कर रखा था उस हिंज को निकाल देता हूँ। हिंज को जैसे निकाल दिया तो ये वाला प्लस क्यू इसको रेपेल करेगा और इसको जैसे रेपेल करेगा दूर जाएगा दूर जाएगा दूर जाएगा दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा उसकी लगातार काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्यों, जैसे 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 दूर जाएगा बड़ा वैसे वैसे लगातार उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और एक काइनेटिक एनर्जी वही है जो शुरुआत में वर्डन किया था। सर आपने तो वर्डन इस पर नहीं किया था, इस पर किया था, कोई बात नहीं, मैंने जो वर्डन किया वो स्टोर हुआ किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो इसकी है इसकी नहीं है, नहीं बेटा मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की है, कोई भी यूज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो जो मैंने इस पर वर्डन किया वो ये भी यूज कर सकता है, ये दूर जाएगा दूर जाएगा दूर जाएगा लगातार से काइनेटिक एनर्जीज बढ़ेंगी बढ़ेंगी बढ़ेंगी। और अगर मैंने दोनों को छोड़ दिया तो दोनों दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे, इसके पास काइनेटिक एनर्जी के वन, इसके पास काइनेटिक एनर्जी के टू, तो ये के वन प्लस के टू वही है जो हमने शुरुआत से बेटा लेकर उस चार्ज पार्टिकल को यहां लाने में जो वर्डन किया। तो जब भी आप इस तरह से किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्डन करोगे तो आपका किया गया वर्डन वेस्ट नहीं होगा, वो किसी न किसी फॉर्म में स्टोर होगा और जिस फॉर्म में स्टोर होगा उस फॉर्म को बेटा आप हमेशा कह सकते हो कि दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी। इफ द फोर्स इज ग्रेविटेशन देन इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इफ द फोर्स इज अ स्प्रिंग फोर्स इट इज अ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इफ द फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप गेट द फील ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं एक बात को फिर से एक बार एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए बेटा एक ग्राउंड है, ग्राउंड पर अगर कोई एम मास का पत्थर पड़ा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी कम है मतलब उसके पास वर्क करने की क्षमता कम है। वो ज़मीन पर गिरा हुआ जो पत्थर है वो किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए, उसका डिस्प्लेसमेंट करे, उस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन क्रिएट करे, उस बात की क्षमता कम है। यही एम मास का पार्टिकल किसी हाइट, यही एम मास का पत्थर, यही एम मास का स्टोन किसी हाइट पर है तो उस स्टोन के पास जो हाइट पर है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव ओरिएंटेशन के कारण। अगर भरोसा नहीं है तो उस पत्थर के नीचे आगे खड़े जाओ, उस पत्थर के नीचे आगे और खड़े जाओ और उस पत्थर को छोड़ दो, वो पत्थर जो आपसे एच हाइट के ऊपर है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और जो पत्थर आपके नीचे पड़ा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम है, उसके पास वर्क करने की क्षमता ज़्यादा है। जैसे जैसे वो नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, जैसे आपके सर से भिड़ेगा आपके सर पर अच्छा खासा फोर्स लगा सकता है, इम्पल्सिव तगड़ा फोर्स लगा सकता है, जिस पॉइंट पर टकराएगा उसका डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, इवन हमारे सर के अंदर डिफॉर्मेशन भी क्रिएट कर सकता है। इट मीन्स दैट द स्टोन विच इज एट सम हाइट फ्रॉम योर हेड इट हैज़ मोर कैपेबिलिटी टू डू वर्क एंड दैट कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज ऑफ कोर्स ड्यू टू दैट रिलेटिव पोजिशन, दैट रिलेटिव पोजिशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग सम वर्क। उसके पास जो वर्क करने की जो क्षमता है वो किस कारण से, उसकी रिलेटिव पोजिशन के कारण, और वो जो रिलेटिव पोजिशन के कारण जो बड़ा क्षमता है उसी को हम नाम देंगे बेटा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा तो ये हमारे पास बेटा सारा का सारा फंडा है। अब मैं फिर से बेटा इसकी एक डेफिनेशन पे और आता हूँ जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस ने कितना वर्क डन किया है उसका नेगेटिव जो होगा बड़ा वही आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, बड़ा वही आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अगर बड़ा चेंजेस बहुत छोटे हैं तो आप ऐसा कह सकते हो कि स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव। अगर बड़ा चेंजेस थोड़े से बड़े हैं, अगर आपके पास बड़ा चेंजेस थोड़े से बड़े हैं तो डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे बोलना छोड़ा वैसे बोल सकते हो, दिस इज यू हैव टू रिमेंबर बेटा, ये हम लोगों को तो याद रखना ही पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा मन सब मैनेज कर लेंगे, इतना तो हमें याद रखना है।
ठीक। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब बेटा बारी बारी से कुछ पोटेंशियल एनर्जीज देखते हैं। हमारे लिए बेटा तो इस चैप्टर में तो सिर्फ और सिर्फ दो ही पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स। बाकी तो बेटा ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में कभी ना कभी आती रहेंगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बेटा एक बार सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग ही है। बेटा फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए बेटा मान लीजिए कि आपके पास बड़ा एक ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई एम मास का ब्लॉक है बेटा, और यहां पर बेटा मैंने इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मान लो बेटा जीरो मान रखी। इस एम मास के ब्लॉक को बेटा मैं धीरे धीरे ऊपर ले गया, और ऊपर ले जाते ले जाते ले जाते यहां कहीं ले आया। यहां कहीं ले गया, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। बट ऑफ फाइनल पोजीशन पर लेट से बड़ा पोटेंशियल एनर्जी यूएफ। बाय डेफिनेशन आई कैन से दैट कि यहां से यहां तक जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। What conservative force are you talking about? तो आप बोलो सर इस केस में conservative force is of course gravity। तो आप कह सकते हो कि change obviously means u final minus u initial and that is negative of work done by gravity। But now what is work done by gravity? तो आप बोलो सर m mass का particle h height ऊपर जा रहा है तो gravity का work done तो minus mgh। That is minus mgh। बड़ा minus minus क्या हो गया plus। तो आप कह सकते हो कि u final माइनस यू इनिशियल इज ऑफ कोर्स एम जी एच। इसका मतलब यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है बेसिकली नीचे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है प्लस एम जी एच। अगर यहां पर पोटेंशियल यू इनिशियल है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है यू इनिशियल प्लस एम जी एच। मेरे बड़ा कहने का तुम अर्थ समझ गए होंगे कि नीचे वाले पॉइंट पर अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रखी है तो यहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच मान सकता हूं। नीचे बड़ा अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए एक्स मान रखी है तो यहां पर एक्स प्लस एम जी एच मान सकता हूं। अगर मैंने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एच मान रखी है तो बड़ा मैं यहां पर जीरो मान सकता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो तो इतनी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है बड़ा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से यहां जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, वो भी कितनी एम जी एच। बस इतना काफी हमारे लिए, इससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है ना, यहां से ऊपर जाओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच बढ़ेगी, यहां से यहां नीचे आओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच घटेगी। इतना हमारे लिए जानना काफी है। एग्जैक्ट वैल्यू बड़ा ठीक है, आप मान सकते हो ग्राउंड पे जीरो मान लिया करो, फेयर एनफ। इस तरह से बड़ा कोई पार्टिकल हुआ, एक इकलौता पार्टिकल हुआ तो आप बड़े आराम से उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख सकते हो, इकलौता पार्टिकल हुआ तो। अगर बड़ी बॉडी हुई तब भी बेटा हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कैसे लिखते हैं बेटा सिखाता हूं, सिखाता क्या बेटा पूछता हूं उसी दिन, है ना। सुनो, अगर बड़ी बॉडी हुई तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, सुनना बेटा। ये ग्राउंड, बेटा ग्राउंड को रेफरेंस मानना है जीरो। एक आपके पास रॉड पड़ी बेटा ऐसे, एक रॉड पड़ी बेटा ऐसे वर्टिकल में ऐसे, एम मास की एच हाइट की यूनिफॉर्म रॉड है बेटा। यूनिफॉर्म मतलब बेटा हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास है, ठीक है। आप चाहो तो बेटा इसका लैम्डा भी डिफाइन कर सकते हो। लैम्डा मतलब बेटा मास पर यूनिट लेंथ, कितना मास है एम, कितनी लेंथ पे एच लेंथ पे एम मास फैला हुआ है बेटा। दिस इज योर मास पर यूनिट लेंथ। अब मुझे है ना इस रॉड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यहां पर मैंने जीरो मान रखी है। अगर ये सारी रॉड बेटा यहां पड़ी होती तो जीरो होती। फाइंड
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ रॉड। बेटा रॉड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, तो चलिए बेटा निकालते हैं। अब दिक्कत क्या है सुनना बेटा, इस रॉड का जो सबसे नीचे नीचे छोटा सा डीएम मास है उसकी तो ग्राउंड से हाइट जीरो है। इस डीएम मास की ऑफ कोर्स थोड़ी सी ज्यादा है, इस डीएम मास की ऑफ कोर्स थोड़ी सी और ज्यादा है, इस डीएम मास की थोड़ी सी और ज्यादा है, इस डीएम मास की और ज्यादा है, इस डीएम मास की ऑफ कोर्स डीएम इंटू जी इंटू एच है। तो हर पार्टिकल की जो हाइट है तो अलग अलग है, इसकी जीरो हाइट है, इसकी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा, और इसकी तो एच हाइट है। तो हर पार्टिकल तो अलग अलग हाइट पे है, सारे पार्टिकल सेम हाइट पे होते तो हम एम जी एच बोल दिए होते। तो बेटा अलग अलग हाइट आ रही है, अच्छा अलग अलग हाइट आ रही है, तो एक काम करो बेटा एक छोटे से पार्टिकल की पोटेंशियल निकालो। तो मैंने एक काम किया कि ग्राउंड से एक्स हाइट ऊपर गया, फिर एक छोटा सा कट लगाया डीएक्स वर्थ का। बेटा डीएक्स मतलब बहुत बहुत छोटा, डीएक्स वर्थ का छोटा सा कट लगा, ये बेटा आपके पास छोटा सा एलिमेंट आ गया। काश मैं इसका मास बता पाऊं, बेटा बहुत आसान है, टोटल लेंथ है एच, उस पर मास है एम, तो वन लेंथ पर मास होगा एम बाई एच, तो डीएक्स लेंथ पर मास होगा एम बाई एच इंटू डीएक्स। ठीक है बेटा, एच लंबाई पर अगर मास एम है तो डीएक्स लेंथ पर कितना होगा एम बाई एच इंटू डीएक्स, फेयर एनफ। तो इसका मास बेटा ये है, इस मास को बेटा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेमडा इंटू डीएक्स। भाई लेमडा क्या है बेटा, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो इससे बेटा इतना सा मास आपका आ जाता। अब इतने से मास की तो हमें पता है कि ग्राउंड से हाइट कितनी है x, भाई इस डीएम मास की बेटा ग्राउंड से कितनी हाइट लिखोगे x। कुछ बच्चे जिद करेंगे कि नहीं सर ये डीएम मास तो फैला हुआ है, कहां से कहां तक फैला हुआ है, ग्राउंड से x हाइट से लेकर x प्लस dx तक फैला हुआ है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि बेटा dx इतना छोटा है कि इसकी हाइट को चाहे तू x मान, चाहे x प्लस dx मान, चाहे x प्लस dx बाई 2 मान, एक ही बात है dx इज वेरी स्मॉल, इसीलिए तो हमने जानबूझ के dx लिया है। तो आप कह सकते हो कि सर हाँ मैं इसे x मान लेता हूँ, तो इसके पास छोटी सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी और वो आएगी इसका चिन्ना सा मास dm इंटू जी इंटू इसके चिन्ह ये जो हाइट है बड़ा वो दैट इज x। dm को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं m बाई एच इंटू dx इंटू जी इंटू एक्स। लेकिन आप बोलोगे सर ये वाली पोटेंशियल एनर्जी तो सिर्फ और सिर्फ इतने से चिन्ने से एलिमेंट किए, ऐसे बहुत सारे 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 चिन्ने चिन्ने एलिमेंट्स हैं, सबके निकालने सबके निकालने तो जोड़ लो, जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी हो तो छोटे छोटे एलिमेंट्स की निकालो और इंटीग्रेट करो। बड़ा एम कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, G कांस्टेंट है बाहर आ गया, H कांस्टेंट है बाहर आ गया, सिर्फ और सिर्फ अंदर बच गया x dx। बेटा x को कहां से कहां तक वेरी करूं कि पूरी रॉड कवर हो जाए, तो आप लोगों से सबसे नीचे वाले पॉइंट पर x की वैल्यू जीरो, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे h, दैट कम्स आउट टू बी एम जी अपॉन h, x dx का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू फ्रॉम जीरो टू h। बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई है एम जी अपॉन h, एच स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू। बड़ा आंसर आ गया बड़े इत्मीनान से एम जी एच बाई टू। ले बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई है एम जी एच बाई टू, अच्छा आंसर है। हम चाहे तो एक स्टाइल से इस आंसर को याद भी कर सकते हैं, कैसे कि सारे के सारे रॉड को पूरी यूनिफॉर्म रॉड को उसके सेंटर में बड़ा मान लो। बेटा एच हाइट की रॉड का सेंटर कहां पर आएगा, एच बाई टू पे, तो सारी की सारी रॉड को बेटा जी सेंटर पे पड़ाव मान लो और सेंटर बेटा यहां से कितनी हाइट पे होगा, एच बाई टू हाइट पे होगा। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि पूरी की पूरी रॉड मतलब पूरे मास को बेटा एच बाई टू हाइट पे पड़ाव मान लो, तभी बेटा आपकी पोटेंशियल वापस एम जी एच बाई टू ही आएगी। फिर ना ऐसी बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए बेटा
एक और पूछ लेता हूँ, हालांकि बेटा काफी हद तक सेम साइज सवाल है, बट बेटा एक और सुन लूँ फिर मैं एक थोड़ा सा रिजल्ट बोल पाऊंगा। अगर मान लो बेटा ऐसा हो कि ये ग्राउंड, बेटा ग्राउंड को तो रेफरेंस मानना ही है, यहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, माननी आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है एम मास की एल लेंथ की, ये बेटा यूनिफॉर्म रॉड है जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, मुझे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फाइंड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस यूनिफॉर्म रॉड, बेटा इस यूनिफॉर्म रॉड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, अभी निकालते हैं। अभी कैसे निकालें यार, बेटा ये जो छोटा सा मास है इसकी हाइट तो जीरो है, इस छोटे से मास की ज्यादा हाइट है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा, इसकी हाइट तो ग्राउंड से सबसे ज्यादा हाइट है इसकी, एल साइन थीटा। हर एलिमेंट की हाइट तो बड़ा अलग अलग आ रही है, तो हम बोल सकते हर एलिमेंट की अलग अलग आ रही है तो सिर्फ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, कर भी लेंगे। क्या करें बच्चों, मेरे बच्चे बोले सर यहां से एक्स डिस्टेंस दूर जाओ, छोटा सा एलिमेंट, बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट लो डी एक्स विड्थ का, इसका मास कितना आएगा मैं लिखना सिखा चुका हूं, एम बाई एल इंटू डी एक्स, और इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है वो मेरे लिए बड़ा सोचना आसान सा काम है। ये एक्स है तो ये एक्स कॉस थीटा, तो ये एक्स साइन थीटा, तो ये इस छोटे से एलिमेंट के पास छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कितनी आएगी इसका मास, मास कितना है बेटा m by l into dx into g into height, बेटा what's the height, height is x sin theta। सर मुझे तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, बेटा पूरी चाहिए तो ऐसे छोटे 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 dm ले, उन सब की पोटेंशियल एनर्जी लिख और उनको जोड़, बेटा जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको लिखनी हो तो बेटा सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करने की जरूरत है। बेटा एक्स को कहां से कहां तक वेरी करेगा, बेटा पूरा कवर हो जाए, एक्स जीरो पर तो बेटा ये वाला पॉइंट है, एक्स बढ़ते 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 यहां एल तक, एल लिखते बेटा, एम बाहर, जी बाहर, एल बाहर, इवन साइन थीटा भी बाहर, वेरी तो सिर्फ और सिर्फ एक्स कर रहा है, एक्स बेटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके एल तक, आसान सा आंसर बेटा आपका, दैट इज एम जी एल साइन थीटा अपॉन टू, बट दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बट दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे, कैसे कि बेटा ये रहा ग्राउंड, ये रही रॉड, ये लेंथ रही थीटा, सो बेटा ये एंगल रहा थीटा, लेंथ रही एल, पूरी रॉड को कहाँ पड़ा हुआ मान लो बेटा, पूरी रोड को बेटा पड़ा मान लो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, बेटा ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ से कितना दूर आएगा L बाई टू पे, और अगर ये L बाई टू पे तो बेटा ये कितना आएगा L बाई टू का साइन थीटा, सारे m मास को यहाँ पड़ा मान लो, सीधा बोल दो m इंटू जी इंटू एच, बेटा एच को बोल दो L बाई टू साइन थीटा। तो कोई भी अगर इस तरह का यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम हो, और अगर सिमेट्रिक सिस्टम हो, तो आप बड़ा उसको उसके सेंटर पर पड़ा हुआ मान सकते हो, और आप बड़ा इस तरह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। तो फिर से इस बात को रिपीट करूंगा बेटा, अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक सिस्टम हो और उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आप उसे उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे पड़ा हुआ मान सकते हो। हालांकि इस पॉइंट को हम आगे जाकर आगे वाले चैप्टर्स में कभी कभी सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, लेकिन मैं फिलहाल बड़ा सेंटर ऑफ मास तो पढ़ा नहीं रखा, तो मैं जानबूझ के नाम क्या यूज कर रहा हूँ बेटा, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो सुनिए बेटा इस बात को, इफ ए यूनिट, इफ ए सिमेट्रिक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट इज गिवन
देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन बाय अज्यूमिंग इट्स एंटायर मास टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर. सारे के सारे मास पड़ा ज्योमेट्रिकल सेंटर पड़ाओ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं, बड़ा मान लें कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बड़ा जीरो. बड़ा मान लो कि इस तरह से कोई स्क्वायर प्लेट है, ठीक है ना. इसकी हाइट h है, लेंथ l है, स्क्वायर प्लेट है, और हमसे कोई पूछ ले कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. मास बड़ा इसका m दे रखा है और सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम कहेंगे कि इस पूरे के पूरे मास को उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर बड़ा मान लो. ज्योमेट्रिकल सेंटर बड़ा ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स, बड़ा उसे आप यहाँ कहीं पड़ा हुआ मान लो, दैट इज एच बाई टू. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप बड़े आराम से बोलोगे एम इंटू जी इंटू एच बाई टू. इसी तरह से अगर ये ग्राउंड, ये बड़ा मेरे पास एक सिलेंडर, ऐसे ये रेडियस आर, यूनिफॉर्म सिलेंडर बेटा, मतलब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी हाइट बेटा इस तरह से आपके पास एच. ऑफ कोर्स बेटा इसका सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, और ये वाली हाइट बेटा आएगी आपके पास एच बाई टू. अगर इसका मास एम है तो सारे मास बड़ा यहाँ पड़ा मान लो, और आप कह सकते हो कि सर अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो इस सिलेंडर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं एम जी एच बाई टू. इसी तरह से बड़ा मान लीजिए कोई स्फीयर है, चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता. इस तरह से एम मास का, आर रेडियस का स्फीयर है या डिस्क, बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता. सॉलिड होलो में कोई फर्क नहीं पड़ता. इसकी अगर पोटेंशियल लिखनी हो तो बड़ा आप इसका सेंटर ढूंढो, बड़ा कहां पर है सेंटर, बड़ा यहां के यहां से डिस्टेंस आर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एम इंटू जी इंटू हाइट, बड़ा व्हाट्स द हाइट आर. थोड़ा ऐसे कई जगह काम आ सकता है मामला ना. तो जब भी इस तरह का सिमेट्रिक सिस्टम हो तो आप बड़े आराम से इस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज लिख सकते हैं. आई होप बड़ा इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. फेयर इनफ, आगे चलते हैं बेटा. नेक्स्ट एक थोड़ा बेटा नॉट सो सिमेट्रिक सिस्टम लेते हैं. बड़ा ऐसा सिस्टम जो इतना सिमेट्रिक ना हो वो लेते हैं, और उसमें बेटा किस तरह से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं उसे देखते हैं. बढ़िया लगेगा सुनना बेटा. आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये ग्राउंड, ठीक है. ये बड़ा एक तरह से कोई आर रेडियस का हेमिस्फीयर, ठीक है. ये वर्टिकल लाइन, और कोई यूनिफॉर्म चेन है बेटा ऐसे पड़ी है, एम मास की यूनिफॉर्म चेन है, सारा का सारा मास बड़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यहां से लेकर यहां तक. बड़ा ये रेडियस आर है, मैं पहले बोल दूं. नीचे नीचे बड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो माननी है, बड़ा यह सवाल है, थ्योरी नहीं है, ठीक है. फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस यूनिफॉर्म चेन. निकालते बेटा. अब आप इस बात को बड़ा समझिए,
कि इसका कोई इस चेन का कोई हिस्सा ऐसा है जैसे ग्राउंड से हाइट जीरो है, किसी की ज्यादा है, किसी की और ज्यादा है, किसी की और ज्यादा है, किसी की तो हाइट ग्राउंड से सबसे ज्यादा है, कितनी बेटा आर। लेकिन सारे के सारे अरेंजमेंट को आर बाई टू पड़ा हुआ नहीं मान सकता यार, क्योंकि ये चेन ऐसे थोड़ी पड़ी है, ऐसे थोड़ी पड़ी है, चेन तो बेटा ऐसे सर्कुलरली पड़ी है, तो मे बी आंसर इज डिफरेंट। देखते बेटा कैसे करें। तो अगेन बेटा कैसे करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लिखेंगे, उस छोटे से एलिमेंट का मास लिखेंगे, उसकी हाइट लिखेंगे, मास और हाइट लिखकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर लिख लेंगे तो उसकी उसी पोटेंशियल को बार बार इंटीग्रेट करके बड़े आराम से आंसर निकाल लेंगे। चलिए कैसे एलिमेंट लें, जब भी इस तरह से सर्कल पर एलिमेंट होगा तो एलिमेंट्स शुड बी चोजन लाइक दिस। हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर जाएंगे, फिर थीटा प्लस डी थीटा पर जाएंगे, ठीक है, ये बेटा आर, ये अगर आर तो ये आर कॉस थीटा, ये बेटा आर साइन थीटा। तो ये छोटा सा एलिमेंट है बेटा, ये छोटा सा एलिमेंट है, बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल यू कुड से कि सर इस आर्क की इस छोटी सी लंबाई को आप लिख सकते हो, बड़ा याद है ना, रेडियस इनटू एंगल इन रेडियन शुड बी इक्वल टू आर्क लेंथ। तो ये लेंथ बड़ा हम जानते हैं क्या, आर डी थीटा। काश मैं इसका मास बता पाऊं, आप बोलोगे सर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरी चेन की जो टोटल लंबाई है वो आप जानते हो बेटा कितनी है, पाई बाई टू आर, बेटा पाई बाई टू आर ही ना, पूरा सर्कल होता तो टू पाई आर, आधा सर्कल होता तो पाई आर, वन फोर्थ होता पाई बाई टू आर, इतनी लंबाई पर मास है एम, तो आर इंटू डी थीटा पर मास कितना होगा, तो मेरा आंसर आएगा एम अपॉन पाई बाई टू इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई आर डी थीटा। आर से आर कैंसिल, मास आ गया 2m बाई पाई इंटू डी थीटा। तो इस इतने से एलिमेंट के पास छोटा सा मास है dm, जिसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 2m बाई पाई इंटू डी थीटा। एक काम तो हो गया, मास तो लिख लिया, काश मैं इसकी हाइट लिख पाऊं ग्राउंड से। बच्चे बोले सर कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसकी हाइट हम जानते हैं कि मोर और लेस इसकी हाइट तो आर साइन थीटा। तो इस इतने से एलिमेंट की चिन्नी सी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, उसको हम डी यू लिख सकते हैं, इसका मास डीएम इंटू जी इंटू इसकी हाइट एच। डीएम टू एम बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू जी इंटू हाइट, बड़ा हाइट इज आर साइन थीटा। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी तो सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट की है, सर मुझे तो पूरे के निकालनी है, तो बेटा ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लेता जा लेता जा लेता जा लेता जा लेता जा लेता जा, उन सब की पोटेंशियल एनर्जी लिख ले और जोड़ दे, जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। थीटा को कहां से कहां तक वेरी करूं, तो आप बोलो सर सबसे नीचे वाले थीटा जीरो, फिर बढ़ाते 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 पाई बाई टू। तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए इंटीग्रेशन डी यू दैट इज टू एम जी आर अपॉन पाई, टू एम जी आर पाई इंटू साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है ना। दिस इंटीग्रेशन बड़ा लिमिट लगाना वन ही आएगी, सो बड़ा दिस कम्स आउट टू बी टू एम जी आर बाई पाई। ये आ गई बेटा हमारी क्या नाम होता है बेटा इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं बेटा, ये तो बड़ा ठीक है ना, सवाल था, सवाल का आंसर है, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज यू इज इक्वल्स टू टू एम जी आर बाई पाई। वो अलग बात है बेटा कि हम कभी ना कभी आगे जाकर किसी और चैप्टर में हो सकता है कि इस क्वार्टर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना सीख जाएं और कहें कि इसके सारे के सारे ऑब्जेक्ट बड़ा हम किसी पॉइंट पर पड़ा मान सकते हैं, शायद उसकी हाइट वगैरह में पहले से याद हो सकता है कि इसको हम कैसे कभी ना कभी ओरली भी लिख लें,
लेकिन तब भी बेटा ठीक है, जब पहली बार निकालेंगे सेंट्रोमास तो सेंट्रोमास भी एक्जैक्टली ऐसी कैलकुलेशन से ही आएगा। तुमने पूरा किया बेटा, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला कि बेटा ये है तेरा काम, ना ऐसा नहीं लिखा अपन ने, पूरा किया अपन ने। ठीक है आगे चलिए नेक्स्ट बेटा, ये थी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो दूसरे काम की पोटेंशियल एनर्जी है बेटा हमारे लिए, यू नो इट वेरी वेल कि बेटा हमारे इस चैप्टर में बेटा दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और निकाल लेते हैं और बेटा इनसे हमारा काफी हद तक काम चल जाएगा यार, है कि नहीं। नेक्स्ट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सोचते हैं बेटा, हालांकि हम जानते हैं कि हमारे पास बड़ा फॉर्मूला तो सिर्फ वो सिर्फ एक ही है, जो भी काम होना होगा उसी फॉर्मूले से हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। आपके पास बड़ा एक फिक्स्ड वॉल, इसके साथ एक स्प्रिंग, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये शुरुआत में नेचुरल लेंथ पे। इस पोजीशन पर इस स्प्रिंग की मैंने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बेटा यू आई मान लिया, चलिए ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि इस स्प्रिंग को बेटा मैंने हल्का सा कोई एक्सटेंशन दिया, हल्का सा एक्सटेंशन दिया, और लेट्स से बेटा एक्सटेंशन इज एक्स। अब बेटा तेरे पास जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू एफ, एज यू नो इट वेरी वेल कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ कोर्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ कोर्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट कंजर्वेटिव फोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस केस, इस केस में हम कौन से कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं? तो मेरे बच्चे बोल रहे हैं सर इस केस में तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स है, और कौन है? स्प्रिंग फोर्स का नेचुरल लेंथ से एक्स के एक्सटेंशन, स्प्रिंग फोर्स का वर्णन, स्प्रिंग फोर्स के नेचुरल लेंथ से एक्स के एक्सटेंशन के पूरे टाइम में ब्लॉक मूव कर रहा होगा, सामने की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा, अंदर की तरफ ऑफ कोर्स बड़ा बाहर जाओगे तो लगातार आपका जो स्प्रिंग है उसका वर्णन तो नेगेटिव 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 ही आएगा, क्योंकि स्प्रिंग ने फोर्स लगाया, अंदर डिस्प्लेसमेंट है बाहर। और मैंने मेरे बच्चों को याद करा रखा है कि वर्णन आएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस बड़ा मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो बड़ा मेरे पास आ गई है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बड़ा इस केस में आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है यू इनिशियल प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस। इसका मतलब अगर मैं नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लूं, जो कि मैं अक्सर मानूंगा, तो इस एक्स के एक्सटेंशन में आपके पास जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी बेटा वो आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है बेटा? आपका एक्सटेंशन। तो जब भी एक्स का एक्सटेंशन होगा तो आपके पास बेटा फाइनल पोटेंशियल आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, अज्यूमिंग दैट कि नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो थी, जो कि हर बार होगी। ठीक है, इसी की बजाय अगर मैंने स्प्रिंग को एक्स का कंप्रेशन दे दिया होता तो क्या होता? अगर मैंने एक्स का कंप्रेशन दे दिया होता तब भी कहानी यही होती। अगर मैं कंप्रेस कर रहा होता तो स्प्रिंग पूरे रास्ते फोर्स लगाती बाहर, डिस्प्लेसमेंट होता अंदर, तो स्प्रिंग का वर्णन फिर से आता माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस फिर से आता प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और फिर से मैं बड़े आराम से कह सकता था कि इस इंस्टेंट पर वापस से आपके पास जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आती वो आती इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो अगर मानोगे तब आप लिख सकते हो दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो चाहे एक्सटेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेटा वो एग्जैक्टली सेम है, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। बढ़िया बेटा, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्सटेंशन या कंप्रेशन सर ग्राफ कैसा होगा, तो आई वुड से कि बेटा यू पर पावर वन है, एक्स पर पावर टू, इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। तो यू कुड से कि सर ग्राफ शुड बी लाइक दिस, x
नेगेटिव मतलब बेटा कंप्रेशन मान लो, एक्स पॉजिटिव मतलब बेटा एक बार के लिए आप एक्सटेंशन मान लो, लेकिन दोनों ही केस में आपका जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही आ रहा है, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। चाहे बेटा आपका एक्स पॉजिटिव हो चाहे बेटा आपका एक्स नेगेटिव हो, दोनों ही केस में आपके आंसर्स तो सेम ही है। फेयर इनफ, चलेगा। चलिए बेटा थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं। ये बेटा हमारी दो बेसिक पोटेंशियल एनर्जीज हैं। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि बेटा हमारे जेई के सिलेबस में, हमारे केयूपीआई के सिलेबस में या फिर हमारे ओलंपियाड के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यही दो ही पोटेंशियल एनर्जीज हैं। दुनिया भर की बेटा पोटेंशियल एनर्जीज हैं। हर चैप्टर में हो सकता है कि एक आधा पोटेंशियल नहीं आ जाए, एक आधे फोर्स नहीं आएंगे, तो उन फोर्स से कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल भी नहीं लगातार आती रहेंगी। ठीक, इस चैप्टर में तो ये ठीक है। नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज जनरल रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। हालांकि बेटा बहुत ही इजी सी बात है, बट फिर बेटा मैं बता देता हूं। ठीक है, हाल जैसे मैंने मेरे बच्चों को बताया कि बेटा किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बड़ा डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो तो बेटा आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो। जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसका वर्डन कैसे लिखूंगा, तो आप बोलोगे सर कंजर्वेटिव फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स है इट इज समथिंग लाइक दिस, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू इट कैन बी रिटन एज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। बड़ा ये वाले काम हमने तब भी किए जब हमने वेरिएबल फोर्स का वर्डन निकाला था बिल्कुल शुरुआत में, तब भी बड़ा ये काम कर रखे। दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ, दैट इज माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई और माइनस एफ जेड डी जेड। ठीक है, दिस इज द सिंपल एक्सप्रेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड द फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। आपका सर वर्डन का भी यही था, सिर्फ माइनस का तो अंतर है, बाकी सारे कारण तो सेम ही है। बड़ा बिल्कुल सही बात है। अभी मेरे पास बातें बड़ा और भी है। अगर आपको फोर्स दे रखा हो और पोटेंशियल एनर्जी पूछा हो, इंटीग्रेट 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 इंटीग्रेट, इनिशियल एक्स से फाइनल एक्स, इनिशियल वाई से फाइनल वाई, इनिशियल जेड से फाइनल जेड, बड़ा सवाल करेंगे थोड़ी देर में, और इनिशियल पोटेंशियल से फाइनल पोटेंशियल। एक बात और, इस एक्सप्रेशन में अगर मान लो कि y और z आपके कांस्टेंट है, अगर y और z कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स चेंज इन y और चेंज इन z तो जीरो है, और चेंज इन y और चेंज इन z जीरो तो ये निपट गए, ये निपट गए, तो हम fx को बड़े आराम से लिख सकते हैं बेटा क्या, माइनस du बाय dx। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब लिख सकते हो, ऐसा तब लिख सकते हो जब आपके y और z जो हो वो कांस्टेंट। इट मींस दैट पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में और y और z को कांस्टेंट्स की तरह ट्रीट करो। इसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या शब्द यूज कर रहे हैं बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन बेटा वैसा ही जैसा अपना डिफरेंशिएशन होता है, बस आपका जो y और z है उनको जैसे कांस्टेंट होते हैं 3, 4, 5 उसी तरह से ट्रीट करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक साइन भी होता है, दैट इज डेल यू बाई डेल एक्स। डी की जगह डेल डेल लिख दा तो डेल यू बाई डेल एक्स। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि आपका एक्स और जेड अगर कांस्टेंट है, अगर एक्स और जेड कांस्टेंट है तो चेंज इन एक्स और चेंज इन जेड आपके जीरो है,
चेंज इन एक्स और चेंज इन जेड अगर जीरो हैं तो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म तो निपट गई, और हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि एफ वाई इज माइनस डी यू बाई डी वाई। लेकिन ऐसा आप सिर्फ कब लिख पा रहे हो, आप उसे ऐसा सिर्फ तब लिख पा रहा हूं जब मैं एक्स और जेड को कॉन्स्टेंट्स की तरह ट्रीट करूं। इसका मतलब मुझे पोटेंशियल एनर्जी को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कंसिडरिंग एक्स एंड जेड टू बी कॉन्स्टेंट। दिस काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो नोन एज बेटा पार्शियल डेरिवेटिव। दिस इज एफ वाई। इसी तरह से डायरेक्टली बेटा मैं एफ जेड अगर लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस डेल यू बाई डेल जेड। तो पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन लगा दो तो एफ एक्स जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन लगा दो, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को बड़ा जेड के साथ डिफरेंशिएट कर दो, नेगेटिव साइन लगा दो तो आपके पास फोर्स अलोंग जेड एक्सिस आ जाएगा। हमारा काम बड़ा बड़े आराम से इस तरह से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इससे एक फाइनल रिजल्ट भी निकला है, इससे बड़ा एक रिजल्ट भी निकला है। द रिजल्ट इज लाइक दिस, द रिजल्ट इज लाइक दिस कि हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है जिसको हमने लिखा था कि एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, दिस एफ एक्स कैन बी रिटन एज माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, this fy can be written as minus del u by del y j cap, fz can be written as minus del u by del z k cap। हालांकि हम अर्थ तो समझ गए थे बट ऐसे लिख ही लिया। दिस कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी रिटन एज बड़ा माइनस बाहर निकाल लो, डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप ऑफ यू। बेटा ये हमारा डेल ऑपरेटर है, इसको बेटा क्या नाम बोलोगे बेटा, डेल ऑपरेटर, या फिर बेटा दिस इज योर बेटा मैं डेल, इसका बेटा नेबला साइन है बेटा, इसको मैं साइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इस साइन का बेटा क्या नाम है, नेबला, माइनस डेल ऑपरेटर बेटा इस टर्म का नाम है। दिस एंटायर टर्म इज नोन एज योर डेल ऑपरेटर। बेटा नाम वगैरह पे ध्यान नहीं देना बेटा अपन को, ठीक है, मतलब इस बात से ध्यान देना है कि बेटा फोर्सेज अगर निकाल रहे हो तो ऐसे पार्शियल डेरिवेटिव करना और माइनस माइनस साइन लगाना, बहुत है ये तो बेटा लिखने की स्टाइल है, ठीक है। इवन बेटा इसे हम ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं, इस टर्म का बेटा माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे बड़ा पसंद बड़ा वैसे लिख सकते हैं। ऐसे बड़ा लिखना आपको पसंद हो ना हो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, सवाल करने के बाद सिर्फ बेसिक बेसिक बातें आनी चाहिए जो मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको ऐसे दे दिया कि पोटेंशियल एनर्जी इन स्पेस इज गिवन एज लाइक दिस, एफ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, अलग अलग एक्स कोमा वाई कोमा जेड पर बड़ा पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वेरी कर रही है। Then find conservative force in the space. बड़ा space में इस system का कितना conservative force है? Very easy. अगर आपको बड़ा conservative force का x component निकालना है तो minus del u by del x. पूरे expression को x के respect में differentiate करो. X square का differentiation everyone knows बड़ा क्या आएगा? 2x. y और z बड़ा दोनों कांस्टेंट है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो जीरो, बस इतना बहुत है। आगे चल बेटा, फोर्स अलोंग y एक्सिस चाहिए तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, अभी कर देंगे। x स्क्वायर कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल जीरो, माइनस y इंटू जेड, बेटा माइनस z को तो बाहर निकाल लो क्योंकि वो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कितना आएगा बेटा, वन, ये आ गया z। मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज फोर्स अलोंग z एक्सिस, तो आप बोलोगे सर दैट इज माइनस डेल u बाय डेल z, माइनस तो ठीक है बेटा, पूरे एक्सप्रेशन को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, z के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है तो x स्क्वायर, x तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन तो बेटा z के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव में हम सिर्फ और सिर्फ बेटा z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो जीरो,
माइनस जेड माइनस वाई, बेटा माइनस वाई को तो बाहर निकाल लो। सर बाहर क्यों निकाल लिया? बेटा वाई कॉन्स्टेंट है, जेड का डिफरेंशियल जेड के रेस्पेक्ट में आएगा वन, बेटा दैट कम्स आउट टू बी वाई। दिस इज फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज फोर्स अलोंग वाई एक्सिस एंड दिस इज फोर्स अलोंग जेड एक्सिस। आई कुड से कि स्पेस में जो कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज बेसिकली माइनस टू एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, सो आई कैप। दिस इज फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, सो दिस इज जे कैप। दिस इज फोर्स अलोंग जेड एक्सिस प्लस बड़ा वाई टाइम्स के कैप। दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स इन द स्पेस। एंड इफ समवन आस्क, इसी में कोई मुझसे पूछ ले कि फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स एट 1, 2, 3, तो x को 1 रखना है, y को 2 रखना है, z को 3 रखना है, और हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। x को 1 रखा तो माइनस टू आई कैप, z को 3 रखा तो प्लस 3 j कैप, y को 2 रखा तो प्लस 2 k कैप। ये बड़ा आपका कंजर्वेटिव फोर्स है इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट बता सकते हो, ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है तो हर पॉइंट बता सकते हो, 0, 0, 1 पे कितना है, 5, 2, 10 पे कितना है, हर पॉइंट पर आप बड़े आराम से कंजर्वेटिव फोर्स इस तरह से बता सकते हो। तो इस तरह से बड़ा हम बड़े आराम से अगर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो तो बड़ा हम बड़े आराम से ये वाला काम कर सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा अपनी बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो तो उससे कंजर्वेटिव फोर्स निकालने के लिए सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, बस ये ध्यान रखिए कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है बेटा, और माइनस साइन मत भूल जाना बेटा, ठीक है? बाकी बेटा हमारा काम चल जाएगा, कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी है। जैसे आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो कि लेट से पोटेंशियल एनर्जी इन द स्पेस इज गिवन एज एक्स स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर z। ये ले बेटा, किसी स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और हमसे पूछा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी किसी ने किसी कंजर्वेटिव फोर्स से कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, फाइंड दैट कंजर्वेटिव फोर्स। बस इतना सा सवाल है, इतना सवाल, फाइंड दैट कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा पूछ लिया अपन से, कर लेंगे हम। इस कंजर्वेटिव फोर्स का अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट चाहिए तो दैट इज माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। पूरे एक्सप्रेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, वाई तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, वाई भी कांस्टेंट, जेड भी कांस्टेंट, उन सब का डिफरेंशियल तो जीरो आएगा ही आएगा, दैट इज माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई। What is the force along y-axis? So you could say that is minus del u by del y. That is minus y के respect differential कर देंगे बेटा, लेकिन x और z को constant treat करना पड़ेगा, कर देंगे, x square constant है बाहर निकाल लो, y का differential y के respect में 1, minus z constant है बाहर निकाल लो, y square का differentiation आएगा 2y। हमारे पास ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई जेड, दिस इज द फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। व्हाट इज द फोर्स अलोंग जेड एक्सिस? बड़ा फोर्स अलोंग जेड एक्सिस ऑफ कोर्स माइनस डेल यू बाय डेल जेड। डिफरेंशिएट द, बड़ा माइनस लगा नहीं है, डिफरेंशिएट द होल इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, एक्स एंड वाई विल बी ट्रीटेड लाइक कॉन्स्टेंट्स, इनका डिफरेंशिएशन तो जीरो। माइनस वाई स्क्वायर बड़ा बाहर निकाल लो, z का डिफरेंशियल z के रेस्पेक्ट में 1, दैट कम्स आउट टू बी y स्क्वायर। सो कोई मुझसे पूछे कि सर व्हाट इज द फोर्स? ऑफ कोर्स दिस i कैप, दिस j कैप, दिस k कैप, सो आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 2xy i कैप प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 2yz j कैप प्लस y स्क्वायर k कैप। दिस इज द फोर्स। मुझे अगर कोई कहते सर 1, 1, 1 पर फोर्स कितना है, तो x को 1, y को 1, z को 1 रख दो, 1, 2, 3 पे कितना है, तो बड़ा 1, 2, 3 रख दो। तो जिस भी पॉइंट पर आपको बड़ा फोर्स चाहिए आप बड़े आराम से बड़ा उस पॉइंट पर बड़े आराम से फोर्स निकाल सकते हो, कोई बड़ा इसमें अपन को इश्यू नहीं है, फेयर इनफ। तो ऐसे बड़ा अपन बड़े आराम से किसी भी फोर्स की अगर वैल्यू दे रखी हो
सॉरी बेटा पोटेंशियल एनर्जी की अगर वैल्यू दे रखी हो तो हम बड़े आराम से फोर्स निकाल सकते हैं। फेयर एनफ। एक बात है बेटा, जैसे मैंने कहा कि एफ एक्स जो है वो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स है, ये यू बाई एक्स एक चीज और रिप्रेजेंट करती है बेटा, क्या? स्लोप। तो पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का जो कर्व होगा, यू और एक्स का जो कर्व होगा उसका स्लोप तुम जानते हो बेटा क्या होगा? उसका स्लोप ऑफ कोर्स बेटा क्या होगा? डेल यू बाई डेल एक्स। तो कभी बेटा अगर मान लो कि तुम्हें यू और एक्स के बीच का कर्व दे दिया और हमसे पूछ ले बताओ फोर्स कितना है, तो आप बड़ा स्लोप निकाल लेना, स्लोप का जो नेगेटिव होगा बेटा वही आपका फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अगला काम, एक बड़ा उल्टा काम पूछ रहा हूं आपसे। एक कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ है, दैट इज लेट्स से 2x i कैप माइनस 3y स्क्वायर z कैप माइनस 4 टाइम्स z क्यूब k कैप इफ पोटेंशियल एनर्जी एट 0,0,0 is 5 joules, find potential energy at x, y, z। अब बेटा उल्टा सवाल पूछ लिया, अभी तक पोटेंशियल एनर्जी दे रखी थी, फोर्स पूछ रहे थे, अब बेटा क्या कर दिया, फोर्स दे रखा और पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली। तो मेरे बच्चे बोले सर छोटा सा काम है, बाय डेफिनेशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ कोर्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। So change in potential energy is negative of work done by conservative force, that is 2x i cap minus 3y square j cap minus 4 times z cube k cap का dot product। बड़ा ये तो होता है, work done क्या होता है, force dot ds, ds is of course dx i cap plus बड़ा dy j cap प्लस बेटा डी जेड के कैप। बेटा करना आई कैप का आई कैप के साथ, दैट इज माइनस 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy प्लस 4 टाइम्स z क्यूब dz। दिस इज योर du। बेटा इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट। शुरुआत में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, तो इनिशियल पोटेंशियल 5। फाइनली x की वैल्यू x, y की वैल्यू y, z की वैल्यू z, तो फाइनल पोटेंशियल बेटा लेट्स से u। du का इंटीग्रेशन आएगा u, लिमिट लगाए तो u माइनस 5। बेटा ये का इंटीग्रेशन है माइनस x स्क्वायर, बेटा x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से x, प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा y क्यूब, बेटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से y, प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा z की पावर 4, बेटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से z। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई, बेटा कितनी वैल्यू आ गई है, यू इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड रेस टू पावर 4 प्लस 5। किसी भी एक्स कोमा वाई कोमा जेड पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा ये है। अगर कोई मुझसे पूछ रहे से बताओ 5,5,5 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो एक्स को वाई को जेड को बेटा 5 रख दो। कोई मुझसे पूछ रहे सर 1,2,3 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बेटा एक्स को 1, वाई को 2 और जेड को 3 रख दो। ऐसे बेटा सवाल शीट के अंदर होंगे भी, ठीक है कर लेना है। ठीक है तो बेटा ये हमारा रिलेशन है। ठीक है बेटा, हमने बेटा आज तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी वगैरह डिफाइन ही की, काफ़ी टाइम भी लग गया इसमें, इस पर एक बार बड़ा बहुत ज़्यादा सवाल है नहीं, अपन जितने बेटा अब तक के सवाल हैं शीट में वही निपटाओ बेटा, है ना।